बिल्कुल रूई जैसे नरम पनीर के पकोड़े आज हम लोग बना रहे हैं। और मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। घर में कोई भी गेस्ट आ जाए और उन्हें इम्प्रेस करना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। यकीन मानिए आपके गेस्ट आपसे इस पनीर पकौड़े की रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो आप भी एक बार इस पनीर पकौड़े को बना के ज़रूर खाना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए मिलकर बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये पनीर के पकौड़े। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्लॉग्स एंड ब्यूटी। और मैं हूँ खुशबू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। पनीर पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। तो हम ले लेंगे सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल, उसमें हम डाल लेंगे एक कप बेसन। इसमें फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें जीरा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन बेसन के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, तो आप इसमें अजवाइन ज़रूर डालें। 1 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे हम नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। इसको अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी पनीर का पकौड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पानी और डालेंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा 2-3 बार में करके डाल के और तब मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। हमें पनीर के पकौड़े बनाने के लिए जैसा बैटर चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए इसको ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, जिससे कि मसालों का फ्लेवर बेसन में आ जाए। और तब तक के लिए हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसमें 18 से 20 पकौड़े बहुत ही इजीली बन जाएंगे। पनीर को हम ऐसे लंबे लंबे स्टिक्स में काटेंगे, अगर आप चाहें तो किसी और भी अपने मनपसंद के शेप में काट सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पनीर काटा है, और ऐसे ही सारे पनीर को कट कर लेंगे। अभी हमने सारे पनीर कट कर लिए हैं, तो हमने बेसन को जो बैटर बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था उसको भी देख लेते हैं। 10 मिनट में बेसन और मसाले आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपके बेसन का बैटर जो है वो अगर पतला दिखे तो उसमें 1-2 चम्मच बेसन और डाल के मिक्स कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, और अगर गाढ़ा दिखे तो उसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड करके मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि अपना बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे। हम लोग जब सोडा इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला सोडा, तो पकोड़े बिल्कुल कुरकुरे बनते हैं। तो यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे, चुटकी से नापेंगे तो 4 चुटकी ये बेकिंग पाउडर है। तो इसे डालकर एक बार फिर से अच्छे से फेंट कर मिक्स कर लेंगे। तो बैटर बिल्कुल रेडी है, और गैस पर मैंने तेल भी रख दिया है अच्छे से गर्म होने को। अब हम इसमें 4-5 पनीर के टुकड़े डाल के और अच्छे से इसको कोट कर लेंगे बेसन में। तो चलिए फिर चलते हैं अब गैस की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई में तेल करके गैस पे पहले से ही रख दिया है, ताकि इतनी देर में अच्छे से गर्म हो जाए। और ये देखिए इसमें ज़रा सा बेसन डाल के देखेंगे कि गर्म है कि नहीं। तो ये हमने जो बेसन डाला ये डालते ही ऊपर आ गया, इसका मतलब कि तेल बहुत ही अच्छे से हीट हो चुका है। तो अभी हम एक एक करके इसमें सारे पकौड़े डाल देते हैं। तेल बहुत गर्म है तो बहुत सावधानी से डालना होगा। पकौड़े डालते ही हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि पनीर को तो पकाना नहीं है, बेसन को थोड़ा पकाना है। तो 2 से 3 मिनट में ये पकौड़े बनके तैयार हो जाएंगे, और इतनी देर में ये पकौड़े फूल के डबल हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ से उलट पलट के हम अच्छे से चला के सेक लेंगे इसको। तो पकौड़े की रंगत तो बिल्कुल बदल गई है, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से। अगर ज़्यादा देर रखेंगे कढ़ाई में तो इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो हमें बस इतना ही पकाना है पकौड़ों को। अब इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ही नरम रहते हैं, ठंडे होने के बाद भी नरम रहते हैं, लेकिन गर्मा गर्म खाने का अपना ही अलग मज़ा है। अब हमारे गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े रेडी हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, देख के लग रहा है ना आपको कितना टेस्टी सा। अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो फटाफट से बना डालिए आप भी। और बनाने के बाद से वापस मेरे वीडियो पे आके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पनीर के पकोड़े कैसे बने।
ये देखिए मैं एक पकौड़ा आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से इतना सॉफ्ट है कि बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए। इसे आप चाहें तो तीखी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ खाइए। जैसे भी खाएंगे आपको ये स्वाद में बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो आप कब बना रहे हैं ये सुपर टेस्टी पनीर के पकौड़े, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, देख के लग रहा है ना सुपर डिलीशियस। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।